जाएंगे हैं। मरम कहाँ जा रहे हैं आप? हम वापस घर जा रहे हैं। डैडा देख के हैरान हो गया। देखिए डैडा ने मारा, इतनी तेज खुश हुई है। मैम ने कहा दिखा दो यार, ज्यादा हो रहा है। मायरा चुची यहाँ पर भी हो गया। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग। में मायरा को छोड़ने गई थी और ना मायरा को ना सुबह सुबह मैंने और दीपू ने देखा कि इस तरह से ना छोटे छोटे, ये देखो इस तरह से ये छोटे छोटे दाने हो रहे हैं हाथ पर, पैर पर, और मायरा वाला हैंड दिखाना अपना जहाँ पे पाम पे भी हो रहे हैं। हाँ ये देखो फिंगर के पास, यहाँ आगे दिखाओ, यहाँ ये देखो ये। सो मायरा का ना शो एंड टेल था। मैंने कहा मैम को ना बता दूंगी कि इसका जब शो एंड टेल हो जाए ना, और ये ज़्यादा रोए क्योंकि ये रो रही थी, इसको इचिंग हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो मैं मैम को बोल दूंगी कि मैम आप मुझे कॉल कर देना, मैं इसको ले जाऊंगी, क्योंकि आज मायरा का शो एंड टेल था। तो मैम ने ना जब देखा इसका तो मैम ने बोला आप इसको ले जाओ प्लीज़, अभी पहले आप इसको डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा है वो है मार्क्स, रैशेज भी नहीं है, ये बम्प से है छोटे छोटे रेड कलर के, और उसमें इसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो बस फिर छुट्टी हो गई मायरा की। मायरा की छुट्टी, मायरा इतनी तेज खुश हुई ना, आप देख दे इसका रिएक्शन। अब बस मैंने इसके लिए पाव भाजी पैक करी थी आज, इतनी एक्साइटेड थी मैं कि यहाँ आएगी कुछ नया अलग लेके जाएगी स्कूल में, क्योंकि रोज इसको पूछो पराठा, मैकरोनी, फ्राइड राइस, बस यही चाहिए होता है इसको, और सैंडविच। छुट्टी हो गई, दादी बोल रही थी इसकी बाय करके नहीं गई। अब दादी को जाके ना हाय कर देना, ठीक है मायरा? दादी को बोलना हाय, बोलोगे हाय। पाव भाजी खा लो और दवाई खाते हैं, ठीक है? तो अभी हम फटाफट से स्किन स्पेशलिस्ट का देखा टाइम, मैंने फटाफट से उसको पाव भाजी खिलाई, और हम लोग बस बिना नहाए धोए ऐसे कपड़े चेंज करे, तब मैंने कल वाली टी शर्ट पहन ली क्योंकि मुझे नहाना ही आकर पहली बार मैं बिना नहाए कहीं ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करती, पहले भी हुआ होगा बट कभी होता नहीं ऐसा। दीदी नहीं आ रही क्या? दीदी फिर रूम करेंगे ना, सही बोल टच करके ये बताओ कि आपको टच करने में इस पे पेन हो रहा है? गो ठीक है बेटा, इसको बताओ इसमें पेन हो रहा है, टच करो इसको, पेन हो रहा है? हो रहा है, सब में पेन हो रहा है, क्या हो गया मायरा को? अभी सब दिखाते हैं डॉक्टर को, ठीक है? मैं आपको समझाती हूँ ना मायरा, किसी इंसेक्ट को किसी चीज को रास्ते में टच मत करा करो, समझाती हूँ ना मैं आपको। देखा आपको क्या हो गया, एलर्जी हो गई ना, गंदे इंसेक्ट्स होते हैं उनको टच थोड़ी करते हैं। आप कुछ भी ट्यूशन जाते में आते में कहीं बाहर जाएंगे स्कूल में हर जगह आप इंसेक्ट को टच करते हो। अब करोगे आप? नहीं करोगे ना, समझ गए? पक्का प्रॉमिस? हाय गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ अमेजोन के, बिकॉज फिर मैं भूल जाती हूँ यार। आप लोग देख लिया करो यार, क्यों नहीं देखते, फिर बाद में मैं पहनती हूँ आप लोग पूछते हो, मुश्किल हो जाता है इतने सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करना। ओके सो फर्स्ट प्रोडक्ट है MYKI का, मेरा फेवरेट ब्रांड है आजकल ये, मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ इस ब्रांड की, चाहे वो ये सारी ये दोनों रिंग हो, मैं जो वॉच पहनती हूँ, वॉच तो चलो फॉसिल की है, एक सेकंड पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे वॉच के साथ पहने हुए सारे ब्रेसलेट हो या कुछ भी हो। अभी जो मैं ये वाला आपको चेन वाला ब्रेसलेट दिखाने वाली हूँ ना, ओ माय गॉड अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और ये सब ना जो टार्निश है ज्वेलरी है, तो इसकी जो पॉलिश है वो भी नहीं निकलती है डेली पहनने में भी। ये देखिए ये कुछ इस तरह का पीस है, बहुत ही सुंदर। आई डोंट नो ये आपको दिख रहा है ना दिख रहा, बिकॉज इसके ऊपर ना ये वाले इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक डिटेलिंग है, मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर डालूंगी तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो बहुत ही सुंदर सा ये ब्रेसलेट है, काश इसकी मुझे ऐसे नेक पीस भी मिल जाए तो मैं डेफिनेटली बाय कर लूँगी, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर है। इसमें दो कलर्स थे अवेलेबल, गोल्डन एंड रोज गोल्ड, तो मैंने रोज गोल्ड लिया है, और ये बहुत ही डेलिकेट सा सुंदर सा पीस है। ये देखिए मुझे ऐसी ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, ऐसी चेन्स ऐसा कुछ जो एकदम से ना जाके मतलब स्टिफ
सिर्फ ज्वेलरी नहीं पसंद मुझे, जो इयररिंग्स है वो भी थोड़े से हैंग करनी चाहिए. ओके, सो फर्स्ट पीस लिया है मैंने ये ब्रेसलेट. उसके बाद आप लोग हमेशा देखते हो कि मैं ये कारमेसी का फेस रेजर यही वाला यूज़ करती हूँ फेस रेजिंग के लिए, और इसमें तीन रेजर मिल जाते हैं. तो मैं ये वाले यूज़ क्यों करती हूँ, हर बार क्यों दिखाती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे रेजर ट्राई करे बट सबसे ना कट आता है, इतने अच्छे से क्लीन होता नहीं है, और इसमें तीन मिल जाते हैं. तो सेकेंड लिया है मैंने कारमेसी का रेजर. इसके बाद बहुत ही अमेजिंग वाला इस बार हॉल होने वाला है, छोटा साइज है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें. ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने यह लिया है ये टी शर्ट. दिस इज़ ब्रांड कॉल ओनली. ठीक है, तो ओनली की ये बहुत ही सुंदर सी बेसिक सी टी शर्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे डेली में पहनने के लिए. टी शर्ट बहुत ही अच्छा सा एक पाउडर पिंक कलर का और पीच कलर का, आई थिंक ये पिंक है, पिंक कलर की टी शर्ट है. इसके बाद एक और मैंने ओनली की टी शर्ट लिया है, मेरा फेवरेट कलर येल्लो और लाइम, और बहुत ही सुंदर सा येल्लो कलर है ये देखिए. तो ये भी सिंपल सी टी शर्ट है, सिंपल नहीं बट मुझे अच्छी लगती है मुझे ऐसी बेसिक सी टी शर्ट. फैब्रिक अगेन कॉटन है दोनों का, बहुत ही अच्छा वाला. इसके बाद मैंने एक ही थोड़ी सी लॉन्ग ओवर साइज टी शर्ट ली है, जो कि बहुत ही सही है समर के लिए. वैसे तो विंटर्स आ ही रही है बट मैं पहन लूँगी यार. ये देख ऑरेंज कलर की एंड यहाँ पे इस तरह से है, और इसमें मेरा साइज है M. इन दोनों में भी मेरा M था जो ओनली की थी. ठीक है, इसके बाद मैंने एक बहुत ही मस्त सा मैरी क्लेयर का, आई डोंट नो प्रनाउंस कैसे करते हैं बट मैरी क्लेयर ही समझ आ रहा है मुझे, जिसकी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ ब्लू कलर की ड्रेस भी शेयर करी थी. तो उसका मैंने ये लिया है टॉप, बहुत ही सुंदर सा टॉप है. इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं, बैलून स्लीव्स, एंड आगे से आके इस तरह से इलास्टिक है जिससे बहुत ही अच्छी फिट आता है. तो इस तरह के स्लीव्स हैं. कलर देखो यार कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था. मैंने भी इसको ट्राई भी करा था, आप आगे मेरे को किसी ब्लॉग में पहने हुए भी देख लोगे. इसके बाद मैंने वाली जीन्स ली है, एक वाइड लेग हाई वेस्ट वाइड लेग ब्लैक कलर की जीन. तो ये भी ब्रांड ओनली की ही है, ओनली की नहीं है शायद, मैं लिंक दे दूँगी स्क्रीन पर बता दूँगी. तो ये ली है मैंने, और इसमें जो मेरी वेस्ट है वो है 28, काफ़ी अच्छा फिट आया इसका, ये भी मैंने पहन के देखी थी. तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए, इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही साथ एमएचएस स्टोर का लिंक भी दे दूंगी जिसपे क्लिक करके सारे प्रोडक्ट्स एक साथ देख सकते हो आप, आपके लिए इजी हो जाएगा एंड आप परचेज कर सकते हो. चलो अब करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, और दिखा दो हर जगह. अच्छा पीछे तो ना बैक पे लेग में सब जगह पे. चलो चलो दवाई ले ली, चलो आओ मारे, चले चलो चलो. अच्छे लग रहे हैं ऐसे, थोड़े से ना सॉफ्ट वाले देखना. ये कौन डाल रहा है, मेरा काले काले डाल रहा हूँ. टम टम ओए टम टम. इस टाइम पे हमारे को स्कूल के लिए लेने निकलते हैं. पास कम करो, मैं आपको ये दवाई लगाऊंगी मिक्स करके. लेटो 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 लेटो, दवाई लगानी है डॉक्टर ने दिया ना ये, लेटो. 7:30 बजे की उठी हूँ, अब जाके लंच कर रही हूँ मैं. देखो भी अब खा रहे हैं, डॉक्टर के पास ले गए थे क्योंकि टाइम फिर ख़त्म हो जाता डॉक्टर का. थोड़ी सी आवाज़ कम करना देखो. तो बस ये खा के मैं नहाती हूँ, नहाकर फ्रेशन अप होके फिर आपको बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला है. ठीक है, और मायरा को मैंने यहाँ लोशन लगा दिया है. मायरा लेटी हुई है, टी वी देख रही है, अब उसने रेस्ट करना है 1 हफ्ते तक. पानी भी रेडी हो गया, तो उसमें से पत्ते निकाल के करने हैं. बांधने के लिए कर रहे हो? हाँ जी. अच्छा, तो कहाँ पे बांधेंगे ये? दरवाजे में. और मायरा के ना पिल्लो के कवर के अंदर रख दो, उस पर मैं निशान लगा देती हूँ कौन से कवर में, या दोनों में रख सकते हो? एक में रख दो ना, तकिए के नीचे रख दो. तकिए के नीचे फिर हिलता रहेगा ना, कवर के अंदर ही लगा दो जब खुल के. ओए ओए बंद कर दिया, फिर रास्ता टक्कर जाएगी. मजा सिखाया है? आप छोटे बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हो, जैसे बचपन में बोलते थे. हाय गाइस, तो कल के बाद से मैं अब शूट कर रही हूँ. नेक्स्ट डे आपको नहला दिया, धुला दिया,
एंड खेल बेल कर वो सो भी गई है और अब मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज कल मैंने बोला था मैं नहा धोकर फ्रेशन अप होकर आपको अपडेट करूँगी एग्जैक्टली डॉक्टर ने एग्जामिन करके क्या बोला है बट आई एम श्योर काफ़ी लोग समझ गए होंगे उसके हाथ को उसके बम्प्स को देखकर एंड ये जो अभी जो सारे घरेलू मैंने चीज़ें करी जैसे नीम के पानी को बॉयल करना उसको नहलाने के लिए दीदी नीम बांध रही थी तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे तो एग्जैक्टली मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैम ने कल मायरा को एग्जामिन करके बोला है कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज थी काफ़ी लोग कहेंगे चिकन पॉक्स था और तुम उसको स्कूल छोड़ने चली गई तो मैं आपको बताती हूँ ये सब कैसे हुआ है इतना मतलब विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड आप बोल सकते हो मायरा के स्कूल का रास्ता घर से हार्डली गाड़ी से हमें 7 to 8 मिनट्स लगते हैं मायरा को सुबह नहलाया कुछ भी नहीं था उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं था एक दिन पहले वो ट्यूशन होकर आई है मैंने व्लॉग भी डाला था प्रिंसेस के घर से होकर आई है उसने अपने शो एंड टेल का सारी चीज़ें उसका शो एंड टेल था अगले दिन तो उसका सब कुछ हुआ है रात को अच्छे से सोई है खा पी के सुबह उठी है नहाई है और नहाने के बाद भी ऐसा नहीं होता है मैं उसको पूरी बॉडी पे अच्छे से लोशन लगाती हूँ एंड आप लोग काफ़ी लोग जो व्लॉग देखते हैं रेगुलर उनको पता होगा कि कभी भी उसकी बॉडी पे से ना ओडोमॉस वाला जो एप्लीकेशन होती है वो कभी स्किप नहीं होती है तो मेरे बॉडी लोशन लगाने के बाद कपड़े पहनाने के बाद दीपू पूरा उसको जो भी उसका मतलब ऐसा हाथ पैर जो होते हैं विजिबल हो रहे होते हैं जो कवर नहीं होते हैं कपड़ों में जैसे नीज से लेग तक हाथ एल्बो से हैंड तक फिंगर तक सारा का सारा दीपू उसका ओडोमॉस से कवर करते हैं तो तब भी कुछ भी नहीं था गाड़ी में बैठे हैं स्कूल पहुंचने के बाहर तक ही लेन लंबी थी वहाँ पे मायरा ने एकदम से मुझे इचिंग करके बोला कि मम्मा मुझे दर्द हो रही है मैंने उसका हाथ देखा तो एकदम से छोटे छोटे बम्प्स थे रेड कलर के तो मुझे लगा कि इसने शायद कोई इंसेक्ट को टच वगैरह करा होगा क्योंकि एक दिन पहले इसने लीच को टच करा था क्योंकि आप नहीं समझ सकते ना कि कौन सा कीड़ा कितना गंदा है हाइजीन है अनहाइजीन है तो मुझे लगा कुछ एलर्जी इन्फेक्शन हो गया होगा और मायरा को वैसे में भी मस्कीटो से एलर्जी है मुझे लगा कहीं काट लिया होगा तो इसलिए हो गए तो मैंने सोचा था कि ना मैं बाहर नैनी होती हैं इसकी मैं उनको बोल दूंगी कि वो मैम को इन्फॉर्म कर देंगे बिकॉज वो रो रही थी कहती मुझे पेन हो रहा है इचिंग करने में और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो मुझे था कि मैम को दीदी इन्फॉर्म कर देंगी कि ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको लेने आ जाऊँगी क्योंकि उसका शो एंड टेल है वो हो जाएगा अगर वो परेशान होगी तो मैं लेने आ जाऊँगी बट दीदी ने मुझे बोला मैम अंदर ही हैं तो मैंने जैसे ही मैम को इसकी बताया इसकी क्लास टीचर से बात नहीं हो पाई बट दूसरी मैम थी तो उन्होंने जैसे इसका हाथ देखा उन्होंने बोला आप पहले प्लीज़ इसको डॉक्टर को दिखाओ बिकॉज ये थोड़ा मुझे सीरियस लग रहा है और बस फिर साथ साथ मैं उसको ले आई एंड हम डॉक्टर के पास लेके गए तो वही चिकन पॉक्स निकला उसको एंड दवाइयों पर वो है उसको जल्दी मैम ने बोला बट एक हफ्ते के लिए मैम ने उसको स्कूल जाने के लिए भी मना कर दिया है ट्यूशन भी नहीं जाएगी घर पर ही रहेगी रेस्ट करेगी और मैं बहुत ज़्यादा हाइपर इसलिए नहीं हो रही पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई थी बट जैसे जैसे मुझे अपना याद नहीं है बचपन का लेकिन मम्मा ने मुझे बताया मेरी मम्मी ने कि तुझे भी हुए थे सबको होते हैं मोस्टली जिससे भी मैं शेयर कर रही हूँ सब बोल रहे हैं कि ये अच्छा भी होता है मतलब होता है ये सबको नॉर्मली हर किसी को एक ना एक बार होता है तो मैं थोड़ी सी काम हो गई बट हाँ थोड़ी सी वो छोटी है काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट डे तो उसका जैसे कि कल मैं बता रही हूँ मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज उसको इचिंग हो रही थी तो मैं एक टॉल से उसको हल्के हल्के से डैप कर रही थी पूरा दिन मेरा उसके साथ लग गया रात को सोने में भी काफ़ी परेशानी हुई बट आज सेकेंड डे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है उसको इचिंग नहीं हो रही वो जो मैं लैक्टो कैलेवेन और एक क्रीम को मिक्स करके लगा रही हूँ और दवाइयाँ पीने की भी चल रही हैं उसकी साथ में सोप दिया है मैम ने शैम्पू दिया है तो सब कुछ अच्छे से करने के बाद उसको काफ़ी अच्छा आज रिलैक्स है और बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं उसको टच वुड वरना हर कोई बोलता है पैक पे स्टमक पे सब जगह हो जाते हैं फेस पे कहीं पर भी नहीं बस उसको हाथ पे इस जगह और लेग में नीचे फीट पर हुए हैं तो बस यही मुझे अपडेट करना था आप लोगों को आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ अच्छा कुछ होगा घरेलू क्योंकि दवाइयाँ तो मैं कर ही रही हूँ बट घरेलू जैसे तकिए के नीचे नीम लगाना हो गया एक सब ने बोला मेरी मम्मी ने बोला कि तड़का नहीं लगाना तड़के की आवाज़ नहीं होनी चाहिए ये सब थोड़े से हम कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें ना करें थोड़ा सा परहेज़ करना होता है इसमें मम्मी ने बल्कि मम्मी ने बोला बहुत ज़्यादा होता है बाहर का कोई नहीं आना होता मायरा को बाहर नहीं जाना होता तो बस यही सब है ठीक हो जाएगा बस मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे घबराई नहीं हुआ ना बस ये है कि हाँ कि क्या एक और परेशानी आ गई चलो ठीक है जो होना होता है वो तो होता ही है बट मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा मायरा को ये हुआ कहाँ से है एकदम से क्योंकि किसी को भी नहीं है यार हमारे घर में क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं से बच्चा लेकर आता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग बताना कमेंट करके कि ये मतलब कैसे हुआ होगा नॉर्मली ऐसे हो जाता है या सच में किसी से मतलब किसी के थ्रू ये आता है तो वायरल टाइप है मैम ने बोला है इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है
बस ध्यान रखना कि वो इचिंग ना करे, बट इचिंग उसको हो ही नहीं रही है सारी दवाइयों से। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था, और व्लॉग को मैं अभी एंड करूँ। और एक और बात बता दूँ, पता नहीं है मुझे नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, क्योंकि मायरा का ये जो रिकवरी पीरियड है ना चल रहा है, तो मुझे उसको थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, उसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही हूँ। वो थोड़ा सा क्रैंकी हो ही रही है, थोड़ा थोड़ा सा ना इस टाइम पे होता है, थोड़ी वीकनेस आ जाती है, बच्चे का मूड भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो अभी मेरा ना शूट करने का भी मन नहीं करा, वैसे परेशान नहीं हूँ बट ठीक है, एक प्रॉब्लम तो आई है ना, तो बस यही बताना था। और या आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग से कुछ ना कुछ मतलब हेल्प हुई होगी, या अच्छा लगा होगा कोई भी पार्ट, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू गाइज, मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुए हैं, 1 घंटे पहले। तो सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, बाकी जो नहीं कर रहे हैं देख रहे हैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।